जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनिल शफी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ मैं। आज जो टॉपिक हमारी बातों का मरकज होगा वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, यानी जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम शख्सियत। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अपनी मूड स्विंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता और बहुत ज़्यादा गुस्सा और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपसे और रिलेशनशिप्स भी देर तक कायम नहीं रहते, तो ये वीडियो आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशनशिप हो या वो आपका आपकी अज़्दवाजी तौर पर आपका साथी हो, तो उस केस में भी आपके लिए ये वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, ताकि आपको इस डिसऑर्डर की नेचर का पता चले और फिर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मालूमात जो है ना वो आपको मिलेंगी इस वीडियो में। शख्सियत किसे कहते हैं? शख्सियत से मुराद हमारी ऐसी आदात और रवैये हैं जो हम बाकायदगी के साथ करते हैं, इतनी बाकायदगी के साथ कि उसे दूसरे लोग हमारी नेचर का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। अगर ये रवैये अच्छे हों तो हमें अच्छी शख्सियत समझा जाता है, और अगर इनमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो उससे जो है वो शख्सियत के मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। सवाल ये है कि शख्सियत जो है वो इंसान की कैसे बनती है। एक बात जो समझने की है कि इंसान की जो शख्सियत है वो ज़िंदगी के पहले 16 साल में उसकी मुकम्मल तामीर आम तौर पर हो जाती है, और शख्सियत साजी में सबसे अहम जो रोल है वो दो चीज़ों का है। एक रोल है इसके अंदर आपके जीन्स का, यानी आपके पेरेंट्स जो थे उनमें क्या क्या खसूसियात थी वो जेनेटिक तौर पर आपके अंदर आएगी। यह आम मुशाहिदा है कि अगर एक वालिद है वो बड़े गुस्से वाला है तो उसके जो बच्चे हैं उनमें भी गुस्सा ज़्यादा होने का चांस है। तो इसी तरह से जेनेटिक्स के अलावा एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है आपको इन्वायरमेंट कैसे मिली। इन्वायरमेंट से मुराद वो माहौल और वो तरबियत है जिसमें आपकी परवरिश हुई। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसके वालदैन जराइम पेशा थे, लेकिन वो बचपन से ही अपने वालदैन से अलग हो गया और अब वो जिनके साथ रहता है वो बहुत नेक लोग हैं और बड़े ही जो है ना वो उसकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि बावजूद ये कि जेनेटिक तौर पर जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे जीन्स उसको नहीं मिल सके, लेकिन तरबियत और माहौल ने जो है वो कमी पूरी कर दी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के ऊपर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी एक बात ये समझने की है कि ये जो फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है, यानी मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और जिनमें ये प्रेजेंट होती है उनकी खसूसियात कुछ तो मैंने आपको अभी बता भी चुका था, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि इन लोगों को क्या होता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं। मसलन अभी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कोई छोटी सी बात हुई जो कि बाकी लोग उसको इतना बड़ा नहीं समझते, लेकिन जो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं इनके अंदर वो एक जज्बाती हिजान पैदा कर देती है और वो गुस्से में और जो है ना वो एकदम से तैश में आ जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं यानी उनकी दोस्तियां भी जल्दी होती हैं, ख़ासतौर पर अपोजिट जेंडर के लोगों से, और लड़ाइयां भी इतनी ही जल्दी होती हैं, तो उनकी देर पा जो है वो दोस्तियां कायम नहीं रहती। इसके साथ साथ अगर आप कभी उनसे बात करें कि आप खुद को कैसा इंसान समझते हैं, तो आपको हैरत होगी सुन के कि अक्सर जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के मुतासर लोग हैं वो खुद कहते हैं कि हम अपने आप को अच्छा इंसान नहीं समझते। एक हैरान कुन चीज़ भी शायद आपके लिए। इसके अलावा ये लोग अपनी ज़िंदगी में एक अजीब सी कमी महसूस करते हैं,
जिसको वो ये कहते हैं कि हम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं, जितना हम उसको भरने की कोशिश करते हैं उतना ही वो खाली नजर आता है। तो ये भी इसकी एक अहम बात है। इस तरह से एक और बड़ी करेक्टरिस्टिक चीज है, सारे बॉर्डर लाइन्स में तो नहीं लेकिन बहुत सारे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज में ये चीज होती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर एक तस्कीन महसूस करते हैं। यानी अक्सर बेशतर ये जो लोग हैं ये अपने आप को कट्स लगाते हैं, जैसे अपनी रिस्ट्स के ऊपर जो है वो कट्स लगाएंगे, और उन कट्स का मकसद मरने की नीयत नहीं होती। आमतौर पर उन कट्स की वजह ये होती है कि हम जो अपना गुस्सा है उसका इजहार कर सकें या लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। तो ये उस वजह से जो है वो इनको करना पड़ रहा होता। और इसके अलावा बाकी चीज़ों में जो आते हैं वो ये कि इन लोगों को हर वक्त ये खौफ रहता है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो लोग हमें छोड़ देंगे, और इस खौफ में वो हर वक्त मुबतला रहते हैं, और इसीलिए उनको अपने पार्टनर्स पे शक भी रहता है, और वो हर वक्त जो है ना वो इस डर का शिकार रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की होती है उसकी इम्पल्सिव नेचर। यानी ये लोग बगैर सोचे समझे कुछ कर गुजरते हैं और बाद में ख्याल आता है कि शायद हमने ठीक नहीं किया, और इस तरह से बड़े बड़े नुकसान जो है ना वो हो सकते हैं उनको भी और उनसे दूसरों को भी। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की शिकार खवातीन हैं जिन को हमने देखा है कि उन्होंने पहले एक लव मैरिज की, उससे उनके बच्चे भी हुए, अचानक से इम्पल्सिवली उनको ऐसे इम्पल्स आई कि उन्होंने उस बंदे को बगैर किसी मजबूत वजह के छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और किसी दूसरे जो है ना वो रिलेशनशिप में चले गए किसी और बंदे के साथ। और वहाँ भी यही पैटर्न रिपीट हुआ कि जी बच्चे भी हैं शौहर भी है, और फिर वहाँ से नेक्स्ट किसी जो है रिलेशनशिप में चले गए। और ना सिर्फ ये कि अपने जो पुराने जो पार्टनर्स थे उनके बारे में उनको जो है वो ख्याल नहीं आया कि इनको हम छोड़ रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी भी क्या गुजरेगी, लेकिन ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि अपने जो बच्चे हैं जो आपका अपना खून है उनके बारे में भी उनको एटलीस्ट जब वो कर रहे होते हैं उस वक्त तो उनको ख्याल नहीं होता उनके लिए। उस वक्त जो अपनी जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये कुछ खसूसियात हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की होती हैं, और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के अलावा ये लोग गुस्से में दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ घर की चीज़ें तोड़ना या किसी का तो कोप करने की हद तक भी। अच्छा, इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसका नुकसान क्या होता है इस पर्सनैलिटी का। आई थिंक कि अभी तक आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि एक ऐसी पर्सनैलिटी का शख्स वो अपने लिए भी बहुत मसाइल पैदा करता है और दूसरों के लिए। जो मसाइल खुद उस पेशेंट के लिए होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि उसकी रिलेशनशिप्स तो कायम नहीं रहती, अकेला रह जाता है इवेंचुअली, इवन घर वाले भी उसको एक स्टेज आती है कि जो उसको डिसओन कर देते हैं छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगरचे वो आमतौर पर जो अपने आप को कट्स वगैरह लगाता है वो खुदकुशी की नीयत से नहीं होते, लेकिन इन लोगों में ये चीज़ कॉमन है कि इनमें डिप्रेशन भी आम लोगों से ज़्यादा होता है, और अगर डिप्रेशन हो तो उसमें खुदकुशी के चांस भी आम लोगों से बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा ये कि अक्सर बेशतर ये लोग जब टेंशन का शिकार होते हैं तो या तो कोई मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल वगैरह यूज़ करना शुरू कर देंगे या कोई ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। बहुत कॉमनली हमने देखा है कि बॉर्डर लाइन की जो कुछ मुतासर खवातीन हैं वो मतलब बेतहाशा स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर देते हैं। मैं खवातीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये मेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी ये डिसऑर्डर होता है। अब बात यह है कि और बाकी लोगों पे तो इसके असरात वाजह हैं। आप देख लें कि जो फैमिलीज हैं वो डिवास्टेट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं जब कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का बंदा जो है वो उस फैमिली में होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शख्सियत के मसाइल हैं तो इसमें जो
साइकाइट्री का इलाज है वो क्या कर सकता है, क्या साइकाइट्री का इलाज इन लोगों को मुकम्मल ठीक कर सकता है कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अक्सर बेशतर जब ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग आते हैं हमारे पास, तो उनको खासतौर पर घर वालों को ये तवक्को होती है कि ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे इलाज से। उनको हम ये बताते हैं कि ये क्योंकि शख्सियत का मसला है, ये कोई नफसियाती बीमारी नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी दवाई से ये जादुई तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, तो ये एक एक गलत फहमी है। हाँ, इलाज से उनमें नुमाया बेहतरी जरूर आ सकती है, और ये जो नुमाया बेहतरी है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है उनकी और दूसरों की जिंदगी में। इलाज हम दो तरीके से करते हैं और दोनों जो इलाज है वो इकट्ठे चलते हैं। उसमें एक इलाज जो है वो मेडिकेशन के जरिए है, दवाइयाँ जो है हमारे पास कुछ ऐसी वो हैं जो कि ऐसे इंसान के मूड स्विंग्स को जरा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसके गुस्से में कमी लेके आ सकते हैं, और वो जो बहुत इम्पल्सिव सोचता है कि बस जो सोच आई वो कर गुजरना है, उसके अंदर जो है वो एक अच्छी कमी ला सकते हैं। अच्छा, तो ये जो कुछ पहलू हैं वो मेडिकेशन के जरिए से हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो बहुत अहम इलाज है जो कि मेडिकेशन के साथ चलना चाहिए वो है बातचीत का इलाज। यानी हम पेशेंट से साइकोथेरेपी के लिए पेशेंट को रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को, और साइकोथेरेपी के अंदर उन आदात और रवैयों पर काम होता है। ये काम अक्सर काफी अरसा जारी रहता है, लेकिन देखा ये क्या है कि अमूमन अगर ये दोनों इलाज साथ चले तो एक अच्छी बेहतरी उस शख्स की जिंदगी में और जो है वो दूसरों की जिंदगी में आ सकती है। लेकिन इसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि इलाज कराने को पेशेंट खुद दिल से तैयार हो। बहुत सारे बॉर्डर लाइन पेशेंट्स दिल से तैयार होते हैं, तो जो दिल से तैयार हों, जो खुद अपने आप को बेहतर करना चाहें, उनके अंदर इलाज से अच्छी तब्दीली आ सकती है। टेक होम मैसेज अगेन यही है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मसले का शिकार हैं, या आपका कोई प्यारा, आपका कोई जानने वाला इस मसले का शिकार है, तो आप लाजमी साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाएं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाने से बहुत ज्यादा जो है ना वो एक अच्छी बेहतरी आ सकती है इलाज के जरिए से। तो ये मेरा मैसेज है, और बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए।